सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ 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 इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे झूठे केसों में फंसा फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब देखिए, ये बयान बहुत दिलचस्प है अरविंद केजरीवाल जी का। जांच में क्या रखा है, जांच क्यों करानी है, झूठे केस, अच्छा झूठा केस है सच्चा केस है जांच से ही तो पता लगेगा, तो जांच होगी तो पता लगेगा, लेकिन समय बर्बाद होता है, जांच से समय बर्बाद होता है तो खुला छोड़ दिया जाए करप्शन करने के लिए। क्योंकि झूठा अगर केस है, हो सकता है झूठा केस हो हमें नहीं पता, जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर झूठा है तो वो तो जांच के बाद, जांच ही नहीं करनी चाहिए क्या? मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, अब ईडी एकदम सिंघम अवतार में है। मतलब ईडी जो है आप कह लीजिए ओवर टाइम कर रही है, करप्शन का टाइम ओवर कर रहा है, ईडी ओवर टाइम कर रही है। क्योंकि तब प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ा नारा देते हुए क्या कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मतलब ना मोदी खुद भ्रष्टाचार करेंगे और ना किसी और को भ्रष्टाचार करने देंगे, खाओगे बड़ा पछताओगे जेल जाओगे। 2014 में प्रधानमंत्री का असर यह हुआ उनके इस बयान का कि भारत में छापों का तूफान आ गया, रेड, कहीं कोई पैसा नहीं खा पा रहा। यही सबसे बड़ी समस्या भी है, मतलब जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है, यह भी यहां वाक्य है, बहुत स्ट्रांग लिख लीजिए, जो भ्रष्ट सिर्फ उसे ही मोदी से कष्ट। सिर्फ आज की बात करें तो जांच एजेंसियों ने आज एक साथ चार राज्यों में तीन अलग अलग पार्टियों के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ छापे मारे हैं। दोबारा से सुनिए, आज एक साथ चार, अब कह रहे ना ईडी तुम बढ़े चलो, भ्रष्टाचार से लड़े चलो, ईडी तुम बढ़े चलो, देश तुम्हारे साथ है। एक साथ अलग अलग पार्टियों के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ छापे, कहां कहां देखिए चार तस्वीरें। कल ईडी ने शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, अब लगा थोड़ी सांस ले पाएंगे करप्शन या भ्रष्टाचारी का जो जिन पर आरोप है, लेकिन नहीं, ईडी तो सांस का लेने देगी अगर करप्शन किया है। आज ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के चार राज्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों में छापेमारी की। पहले बंगाल ले चलते हैं आपको, बंगाल में ममता सरकार में मंत्री रतिन घोष के घर छापा मारा ईडी की यह कार्रवाई। मध्यम ग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में बंगाल, उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ आज दूसरी कार्रवाई तमिलनाडु, आप देखते रहिए बस, तमिलनाडु में डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के खिलाफ हुई आयकर विभाग की कार्रवाई, टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर हुई। तीसरी कार्रवाई तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के विधायक मंगनी गोपीनाथ के खिलाफ हुई, टैक्स चोरी के आरोप में इनकम टैक्स विभाग ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। लेकिन बकौल अरविंद केजरीवाल, जांच से तो समय बर्बाद होता है, जांच तो होनी नहीं चाहिए, झूठे केस होंगे, अरे झूठे होंगे तो जांच के बाद पता लगे ना गुरु। इसके अलावा आज ही दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक नियुक्ति मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ये एक और आज का अपडेट है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, आज का अपडेट ये है, दिल्ली में ही बता रहा हूं, दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक नियुक्ति मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली में एक और मामला खुल गया, वैसे आपकी जानकारी के लिए। इतना ही नहीं, संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरे लालू परिवार की कोर्ट में पेशी हुई थी। ये देखिए आप, दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू की बहन मीसा भारती पहुंची थी। हालांकि इस केस में कोर्ट ने सभी को बेल दे दी, लेकिन जांच ही नहीं होनी चाहिए, जांच से समय बर्बाद होता है। मतलब आप सोचिए लॉजिक, यानी दिल्ली से लेकर बंगाल और तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक जांच एजेंसियों का भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जांच एजेंसियां सिंघम अवतार में है, घूस खाओगे करप्शन करोगे बहुत पछताओगे, जांच एजेंसियां सिंघम अवतार में। ध्यान दीजिए कि ईडी वही एजेंसी है जिस पर, अच्छा ये आंकड़े सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, मनमोहन सरकार में ना सुस्ती के आरोप लगते थे कि ईडी का एक्शन नहीं है, ईडी मोदी सरकार भी इतनी चुस्त हो गई है कि पिछले 8 साल में लोग कहते हैं कि ईडी का खौफ चल रहा है, लोग कहते हैं ईडी का क्या चल रहा है, ईडी का खौफ चल रहा है, ईडी का आतंक कहता है विपक्ष। 8 साल में भ्रष्टाचारियों से 1,00,000,000,000 रुपए वसूल चुकी है ईडी, कितने 1,00,000,000,000, ये आपके हमारे टैक्स पेयर्स का ईमानदारी का पैसा है भाई,
लेकिन कुछ वक्त पहले ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति छीनने के लिए कुछ वक्त पहले याद हो ना सुप्रीम कोर्ट में 242 याचिकाएं लगाई गई थी। ईडी को इतनी पावर्स क्यों दे दी गई है गिरफ्तारी की इसकी उसकी? इन 242 याचिकाओं में कईयों को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करके गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रखा मोदी सरकार में। अब सुनिए